शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। अगर हमारे साथ पेड मेंबर बनना है तो 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं और फ्री मेंबरशिप तो अवेलेबल है ही। चैनल का 5/5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का निवेश कीजिएगा, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों ना हो। आइए जरूरत कर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। गवर्नमेंट ने लिया है बहुत अच्छा कदम, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की पूरी बाजी हो गई है पलट। अब वोडाफोन आइडिया यहां से एक सॉलिड बेस बना चुका है। काफी लोग कह रहे थे 4 रुपए पे जाएगा, 3 रुपए जाएगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके वजह से अब 10 रुपए का एक सॉलिड बेस बन जाएगा। गवर्नमेंट का एक्शन प्लान है, स्टेक इन आइडिया हैज बीन अप्रूव्ड, और उसके लिए यहां पर अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिकमेंडेशन भेज दिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। वॉल्यूम काफी अच्छा था और यहां पर इसका 33% इक्विटी विल बी विद गवर्नमेंट नाउ। और यहां पर प्राइस का एक्शन देखा जाए 10 रुपए से ऊपर कहा है, स्टेबल होने के बाद 10 रुपए की जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर जो उसकी फेस वैल्यू है उसके बेसिस पर लेंगे। सून इट शुड गेट स्टेबल अराउंड 10 और अबव 10, दैट विल बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे पास यहां पर जो हमने वोडाफोन आइडिया जब गिरावट आई थी 1 साल पहले, उसमें काफी अच्छी क्वांटिटी खरीदी हुई है एंड वी आर होल्डिंग ऑल द क्वांटिटी। हमारा एवरेज भाव 6 रुपए 17 पैसे के आसपास है और काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है अभी इसमें। यहां पर जो जुलाई में डील कंफर्मेशन की थी उसके लिए, क्योंकि ये शेयर 10 रुपए के नीचे था, अब ये काफी तेजी से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और एटलीस्ट 10 रुपए का बेस नीचे बना लेगा हमारे हिसाब से। और आदित्य बिरला ग्रुप एज वेल एज वोडाफोन यूके विल होल्ड 50%, तो ये 83% के आसपास यहां पर दोनों की इक्विटी रहेगी। वोडाफोन आइडिया ने अब बहुत अच्छा काम भी शुरू किया है, इसको अगर आप चाहें तो VIP नंबर आपके लिए एक्टिवेट करा सकते हैं बहुत जल्द, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी वोडाफोन आइडिया के नए सब्सक्राइबर्स के लिए। यहां पर एज फ्री मेंबर्स आपको सिर्फ क्या लेना है, इसमें आपको पर चार्ज पर करीब करीब 499 का मिनिमम पैकेज लेना है और इससे आप अपना ये नंबर एक्टिवेट रख सकते हैं टिल द टाइम दैट यूजर डिसाइड टू लीव दैट नंबर। ये नंबर आपके लिए यूनिक नंबर रहेगा और साथ साथ में काफी अच्छा ऑफर दे रहे हैं डाटा पर भी। 399 के पैकेज पर इन्होंने यहां पर 150 का बोनस डाटा अनाउंस किया है, जो कि एनकरेज कर रहे हैं कि लोग बाग पोस्ट पेड प्लान पर जाएं, क्योंकि इससे इनका ARPU एवरेज रिवेन्यू पर यूजर बढ़ता है। अगर हम नॉर्मल एवरेज रिवेन्यू पर देखें तो 125 के आसपास है, पर अगर काफी सारे लोग इसको 400 के प्लान पर स्विच करेंगे तो इनसे ARPU पुश होगा काफी अच्छी तरह से। और देखिए यहां पर जो 16,000 करोड़ की ऑलमोस्ट डील थी, ये अब गवर्नमेंट ने प्रपोज क्लियर कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर का नोट जैसे मैंने बताया था, और अगला काम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का रिकमेंडेशन करके भेज दी गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट चला गया है अब ये सेक्शन। लोन देखिए यहां पर इन्होंने अपना रिपेमेंट कर दिया है 2,700 करोड़ रुपए का, जो स्टेट बैंक के लिए, ताकि मोर पैसा, ज्यादा पैसा मिल सके 5G के लिए। इनको फंड चाहिए और एक्सटर्नल फंडिंग अभी नहीं हो रही है, इसके लिए इन्होंने यहां पर डिमांड अगर नहीं करेंगे 5G की तो कंपटीशन इनको रूल आउट कर देगा पूरी कंट्री से ही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें उन्होंने बताया है डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक कस्टमर की कहां कहां पर डिमांड है, कौन से सेक्टर में रहेगा, एंड कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स, जहां जहां कॉम्पिटिशन बनाएगा वहां इनको देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इनके कस्टमर वहां से पलायन कर जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने 4,900 करोड़ का ऑलरेडी ले लिया है और ये एडवांस टास्क डिस्कशन चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपए का फ्रेश लोन लेंगे जो दो पर्पज से यूज होगा। 70% ऑफ दिस लोन, करीब करीब 7,000 करोड़ रुपया 4G कवरेज पैन इंडिया पर लेंगे और साथ साथ में 30% का करीब करीब 5G को 10 से ज्यादा सर्कल में इसको ट्रेडिंग के लिए लिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव खबर मानी जाएगी हमारे हिसाब से। इनका क्लियर है कि यहां पर SBI के साथ लोन बहुत जल्दी आएगा और साथ साथ में हमारे देश में गेमिंग के लिए काफी बड़ी सुविधा चल रही है। मोबाइल पर इन्होंने टाई अप किया है अपना और ध्यान रखिए 40% से ज्यादा इनके फीमेल कस्टमर्स भी मोबाइल गेम पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एडवांटेजियस है। लोग बाग एक बार खेलना शुरू करते हैं तो फिर वो कंटिन्यूअसली इसके तरफ को आकर्षित रहते हैं। वोडाफोन आइडिया मैक्स
मैक्साटेक के साथ लॉन्च किया है गेमिंग कंटेंट, और ये 40 डिफरेंट कॉम्पिटेटिव गेम्स लगा रहे हैं इंक्लूडिंग लूडो एंड अदर गेम्स देयर. वी आर हैप्पी फॉर दिस एक्टिविटी जो इनको यहाँ पर कस्टमर को इनके पास बांधे रखेगी. साथ साथ में पब्लिक कंपनी को देखें तो 62% की होल्डिंग है, जनरल पब्लिक के पास में आप और हम जैसे लोग 20% की आसपास की होल्डिंग है यहाँ पर. प्रोजेक्शन अच्छे हैं बट इनको कैश को पॉजिटिव करने के लिए ARPU बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, वरना इनके जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और डिप्रिसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. बट द बेसिक इशू इज कि यहाँ पर सर्विस 2G और 3G की इनको वाइडर करनी है 4G के नेट के लिए, और जिसका 7,000 करोड़ रुपया ये SBI से फ्रेश लोन लेंगे. अगर बैड एक्सपीरियंस होगा तो ये कस्टमर लीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हैप्पी कस्टमर चाहिए तो इनको अपनी कवरेज तो बढ़ानी पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी ये रहेंगे. गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वोडाफोन आइडिया बंद हो, और इसी के चलते हुए इन्होंने यहाँ पर वोडाफोन ने इसका अपना इक्विटी कन्वर्जन कर दिया, डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है. रूरल एरिया में काफ़ी अच्छा इनका मोमेंटम है, काफ़ी अच्छा कवरेज है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बाय कर रही है, जो कि पॉजिटिव रहेगा हमारे हिसाब से. अगर टेक्निकल व्यू देखा जाए तो देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पर देखा जाए तो एनुअल शेयर होल्डिंग फंड्स के आसपास नेगेटिव 61,000 करोड़ की है, और जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो करीब करीब 200,000 करोड़ की है, और जिसमें से करंट लाइबिलिटी 60 करोड़ के आसपास है, 60,000 करोड़ के. तो ये बहुत एग्रेसिवली इनका जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा. इसलिए थोड़ा लिमिटेड में ही अपना पैसा निवेश कीजिएगा. अगर हम यहाँ पर बात करें 9.65 रुपये के आसपास कल बंद हुआ था ये, और मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज अब यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा 200 डे मूविंग. अभी गैप है ये, इसके लिए 10.42 रुपये का एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा जो 200 डे मूविंग एवरेज है. एक बार इसने क्लोज किया इसको तो ये बहुत अच्छी तरह से ऊपर चढ़ के हमारे हिसाब से वापस अपने नए हाई की तरफ को जाने की कोशिश करेगा. अगर देखें तो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, देखिए 565 मिलियन शेयर है एक्सचेंज में तेईस दिन यहाँ पर, और अभी दो दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है जो कि पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा. वोटेक्स इंडिकेटर अभी भी इसने बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है, यहाँ से जो क्रॉस ओवर हुआ था वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है अभी के लिए. अगर हम RSI को देखें तो RSI की वैल्यू 560 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा यहां पर न्यूट्रल जोन कहेंगे, और सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 8.50 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अब हमारे हिसाब से मंडे के दिन पॉजिटिव खबर रहेगी, ये 10 रुपये के आसपास जाना चाहेगा. अगर किसी को इसमें बाय करनी है, किसी वजह से अगर ये गिरावट आती है तो इसका प्रोजेक्शन देखा जाए और यहाँ से अपकित लेकर जाए तो 9.50 रुपये के आसपास इसमें अच्छी एंट्री बन सकती है, 9.25 रुपये से 9.50 रुपये के बीच में. अगर मैग्डी को देखें, मैग्डी ने यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट किया था जब इसका भाव 8.50 रुपये था, और अभी 9.50 रुपये ये ट्रेड कर रहा है. जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस.